वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे जो हमारे पास आ रही है बिलासपुर से, जहां पेंड्रा में आवास आवंटन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आपको बता दें कि आवास मित्र द्रौपदी केवट को हटा दिया गया है। मामले में 3 कर्मचारियों पर FIR भी दर्ज की गई है। जिला जनपद पंचायत CEO ने कार्रवाई की है। जनपद पंचायत पेंड्रा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पेंड्रा में आवास आवंटन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं संवाददाता संतोष। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, पेंड्रा में आवास आवंटन के भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करते हुए आवास मित्र द्रौपदी केवट को हटा दिया गया है। इसके साथ ही 3 कर्मचारियों पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है? जी सुनील जी, जानकारी देना चाहूंगा। 60 वर्षीय महिला फुलझरिया बाई ने एक पेंड्रा थाने में लिखित आवेदन दिया था उसके आवास को चोरी होने का, आवास चोरी किए जाने का। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता करने वाली रोजगार सहायक द्रौपदी केवट को हटाया गया है। इसी प्रकरण में जनपद पंचायत पेंड्रा के कर्मचारी प्रकाश महिलांगे, जो प्रधानमंत्री समन्वयक हैं, प्रधानमंत्री आवास समन्वयक हैं, और दूसरे राजेश गुप्ता, ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इनको सेवा मुक्ति का नोटिस दिया गया है और साथ ही साथ इन पर FIR भी कराई गई है। सारी की सारी कार्रवाई जिला जनपद बिलासपुर CEO फरिया आलम सिद्दीकी के द्वारा की गई है। जी सुनील जी, संतोष जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो ऐसा पहला मामला सामने आया है मीडिया में उजागर होने के बाद, लेकिन न जाने ऐसे कितने और मामले होंगे जो कहीं ना कहीं छुपे हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए प्रशासन की, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता जो अधिकारी हैं वो वक्त वक्त पर जाकर मॉनिटरिंग करें? मॉनिटरिंग अधिकारियों की नहीं हो पाती है, लेकिन साथ ही साथ यह यहाँ पे और भी कई मामलों का खुलासा हो रहा है। करीब 60 से 70 मामले पेंड्रा और मरवाही जनपद पंचायत के ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें जियोटेक तो किया जाता है, लेकिन उसके बाद अन्य अन्य व्यक्ति को खड़ा करके और उसकी राशि निकाल दी जाती है आवास की। चलिए संतोष, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिलासपुर के पेंड्रा से, जहां आवास आवंटन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 3 कर्मचारियों पर FIR दर्ज कर ली गई है और आवास मित्र को भी हटा दिया गया है।